जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो आज की डेट में एग्जाम हुआ है 10/12/2017 में, उसी क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से उस क्षेत्र को पहचाने जिसके लिए बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, बीसी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट आधारित कॉल करने और प्राप्त करने के लिए स्काइप सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है। इस प्रोग्राम की पहली बीटा रिलीज कब हुई? तो इस प्रोग्राम की पहली बीटा रिलीज हुई थी सन 2003 में, कॉल ऑफ प्राप्त करने के लिए स्काइप के लिए 2003 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे, यह कथन किसके लिए है? तो यह कथन है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस धोनी को लगातार किन वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो एमएस धोनी को लगातार वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द पुरस्कार सन 2008-09 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किसके रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो झारखंड भारत में रेशम के उत्पादक सबसे बड़ा है, टसर सिल्क के मामले में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2000 में झारखंड का नया राज्य बनाते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वर्ष 2000 में झारखंड का नया राज्य बनाते समय मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मियांग चांग झारखंड के भारतीय अभिनेता थे जो टेलीविजन होस्ट और गायक थे, उनका जन्म हुआ था धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में कौन सी योजना घोषित की? तो झारखंड में हरित योजना लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने आर्या योजना घोषित की थी, आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए अनुच्छेद 74(1) मंत्रिपरिषद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा संशोधन अधिनियम जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्रों, कुछ निश्चित क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने में संबंधित है, किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2015 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के मिलाव माफी और आइडियल्स प्रतिबंधित थे? तो ये थे प्रियवल संबंधित थे आइडियल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भंगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे देना है। ग्राम पंचायत गांव का कार्यकारी निकाय होता है, इसकी अगुवाई कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से एक फलीदार फसल की पहचान करें। फलीदार, आपके ऑप्शन है ए बाजरा, बी दाल, सी ज्वार, डी मूंगफली। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2017 के समाचारों के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अगस्त 2017 के समाचारों के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हरमनप्रीत कौर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राफेल नडाल ने पुरुषों के एकल वर्ग में 2017 यूएस ओपन का खिताब जीता, उस देश की पहचान करें, वह किसके निवासी थे? तो राफेल नडाल स्पेन के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है? तो सितंबर 2017 के अनुसार केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर फिल्म शाही बीवी और गुलाम प्रतिभाशाली गुरुदत्त द्वारा निर्मित 1962 का संस्करण साहब बीवी और गोलम पर आधारित है, यह कौन से बंगाली लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये विमल मित्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन अर्जित करने के उद्देश्य से खरीदी गई परिसंपत्ति जैसे शेयर या संपत्ति क्या कहलाती है? तो धन अर्जित करने के उद्देश्य से खरीदी गई परिसंपत्ति निवेश कहलाती है, शेयर या संपत्ति के लिए निवेश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में फ्रांस के गणतंत्र द्वारा पांडुचेरी का प्रशासन भारत सरकार को सौंपा था? तो फ्रांस के गणतंत्र द्वारा पांडुचेरी प्रशासन का भारत सरकार को 1954 में सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2014 की फीचर फिल्म हैदर विलियम शेक्सपियर की श्रास्तिदिया में एक रूपांतरण है, उस श्रास्तिदी की पहचान करें। तो उस श्रास्तिदी की पहचान में हेमलेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे, ये कथन निम्न किसके लिए है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस धोनी को लगातार किन वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो एमएस धोनी को लगातार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था 2008 और 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उस कप्तान का नाम बताइए, उस कप्तान का नाम बताइए जो जुलाई 2017 में महिला ओडीआई क्रिकेट में 6,000 रन ज्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। तो मिताली राज वनडे में क्रिकेट टीम में 6,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में दलमा वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? तो झारखंड में दलमा वन जीव अभयारण्य 10 से 20 किलोमीटर जमशेदपुर में के भीतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु को झारखंड के राज पशु का दर्जा दिया गया? तो झारखंड के राज पशु का दर्जा इंडियन एलिफेंट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजातीय क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो संथाल जनजातीय ने बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा स्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पारस्परिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो निम्नलिखित पारस्परिक नृत्यों में से झारखंड का नृत्य जो है वो है पाइका। इसका दोस्तों आंसर क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर आप क्लियर करके मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आजादी के पूर्व युद्ध के दौरान 1857 में बारागांव में एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया, इस जमींदार का नाम बताइए। तो उस जमींदार का क्या नाम था ये आपको बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।